Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हसीना तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसके सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं। हसीना बड़ी सुकून में आ गई है। हसीना यही सोच रही कि इस घर की मैं मालकन बन गई हूँ, मेरे सारे ख्वाब सब कुछ पूरा हो गया है, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, मेरी शादी भी हो गई है अहमद से। लेकिन हसीना को ये नहीं पता कि अब उसका बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। हसीना सोई हुई होती है अपने कमरे में तो अचानक से वहाँ पर मासूमा भी आ जाती है। हसीना की एकदम आँख खुलती है जब हसीना अपने सामने मासूमा को देखती है। मासूमा हसीना का गला दबा रही होती है। ये सब कुछ देख के हसीना एकदम परेशान सी हो जाती है कि मासूमा मेरे सामने अचानक से कैसे आ गई, वो तो मर गई थी। हसीना यही सोच रही है कि मासूमा मर गई है, लेकिन मासूमा मरी नहीं बल्कि जिंदा है। अब मासूमा इस तरह से हसीना को जहनी टॉर्चर देगी कि वो खुद ही जहनी अजियत मुबतला हो जाएगी और उसको इतनी ये अपना इंतकाम और बदला ले रही है मासूमा हसीना से। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मासूमा हसीना का गला दबाने लगती है। जब मासूमा हसीना की तरफ बढ़ती है तो हसीना एकदम परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मासूमा से यही कहती है कि तुम तो मर गई थी ना, ये अचानक से तुम कैसे जिंदा हो गई मेरे सामने। ये बात सुन के हसीना की मासूमा उसको और ज़्यादा डराती और कहती है कि हाँ मैं मर गई थी, अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ तुमसे। ये सारी सिचुएशन देख के हसीना पागल ही हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि सुबह होते ही हसीना अपनी वालदा को बताती है कि मैंने मासूमा को देखा है, मासूमा मेरे पास आई है, ये सब कुछ मेरे साथ वो कर रही थी, मेरा गला दबा रही थी। लेकिन हसीना की बातों पे अब कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो उसको मेंटली डिस्टर्ब करा दे रहे हैं। ये सब कुछ मासूमा बड़ी प्लानिंग के साथ कर रही है, उसके साथ इंतकाम और बदला ले रही है जो कुछ हसीना ने मासूमा के साथ किया। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हसीना अपनी वालदा को सब कुछ बताती है, लेकिन हसीना की वालदा और कोई भी उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता। सब यही कहते हैं कि मासूमा तो मर गई है और वो कैसे आ सकती है, तुम पागल हो गई हो। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे मासूमा बहुत खुश है क्योंकि मासूमा की जो चाल है, जो प्लान है, वो कामयाब हो गया है। जिसके बाद मासूमा यही बात कर रही होती है कि अब अगले वार का हमने इंतजार करना है, दुश्मन से अपने अगले वार का बदला लेना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुराद अपनी वालदा को लेने के लिए आ रहा है, यही हसीना की वालदा भी चली जाएंगी, जिसके बाद मासूमा के लिए तो काम बहुत आसान हो जाएगा हसीना को और ज़्यादा पागल और मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मासूमा जिस कमरे में आई होती है, हसीना के कमरे में आई होती है जब अहमद वहाँ पर आता है तो अहमद हसीना से यही बात करता है कि ये तो मासूमा के परफ्यूम की खुशबू है, क्या मासूमा यहाँ पर आई है। जिसके बाद हसीना एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। हसीना कहती है कि मासूमा यहाँ पर कैसे आ सकती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अहमद तो अच्छे तरीके से वाकिफ है कि मासूमा कौन सा परफ्यूम लगाती थी, वो फौरन समझ जाता है कि मासूमा यहाँ पर आई है। ये सारी बातें सुन के अहमर की हसीना बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। हसीना को यही डर लग रहा है अगर मासूमा सच में अहमर के सामने आ गई। ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हसीना के सारे चाले अब नाकाम होने वाली हैं, बहुत जल्द हसीना को अपने मुंह की खाने पड़ेगी क्योंकि जो कुछ हसीना ने दूसरों के साथ किया वो सब कुछ अब हसीना के साथ भी होने वाला है। हसीना का बहुत बुरा हाल होगा। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मासूमा अब इतनी बुरे तरीके से हसीना को डरा देगी कि हसीना को मासूमा के बारे में सोच के भी बहुत बुरा ख्याल आएगा, यानी वो बहुत ज़्यादा डर सहमी सी जाएगी और यही मासूमा की चाल है, हसीना को उसके मुंह की खाने पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ अहमद अभी भी मासूमा से मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है, यानी वो अभी उसकी खुशबू महसूस कर सकता है। जब अहमद हसीना से ये बात कहता है कि कमरे में मासूमा आई थी, उसकी खुशबू आ रही है, ये बात सुन के हसीना तो एकदम परेशान सी हो जाती है कि अहमद साहब अभी भी मासूमा से मोहब्बत करते हैं, अगर वो कल कला को सच में ही सामने आ गई तो ये तो मुझे छोड़ देंगे। हसीना के अब खतरे की घंटी शुरू हो गई है, हसीना बड़ी परेशान सी हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हसीना तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं। हसीना बड़ी सुकून में आ गई है। हसीना यही सोच रही कि इस घर की मैं मालकन बन गई हूँ, मेरे सारे ख्वाब सब कुछ पूरा हो गया है, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, मेरी शादी भी हो गई है अहमद से। लेकिन हसीना को ये नहीं पता कि अब उसका बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। हसीना सोई हुई होती है अपने कमरे में तो अचानक से वहाँ पर मासूमा भी आ जाती है। हसीना की एकदम आँख खुलती है जब हसीना अपने सामने मासूमा को देखती है। मासूमा हसीना का गला दबा रही होती है। ये सब कुछ देख के हसीना एकदम परेशान सी हो जाती है कि मासूमा मेरे सामने अचानक से कैसे आ गई, वो तो मर गई थी। हसीना यही सोच रही है कि मासूमा मर गई है, लेकिन मासूमा मरी नहीं बल्कि जिंदा है। अब मासूमा इस तरह से हसीना को जहनी टॉर्चर देगी कि वो खुद ही जहनी अजियत मुबतला हो जाएगी और उसको इतनी ये अपना इंतकाम और बदला ले रही है मासूमा हसीना से। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मासूमा हसीना का गला दबाने लगती है। जब मासूमा हसीना की तरफ बढ़ती है तो हसीना एकदम परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मासूमा से यही कहती है कि तुम तो मर गई थी ना, ये अचानक से तुम कैसे जिंदा हो गई मेरे सामने। ये बात सुन के हसीना की मासूमा उसको और ज़्यादा डराती और कहती है कि हाँ मैं मर गई थी, अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ तुमसे। ये सारी सिचुएशन देख के हसीना पागल ही हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि सुबह होते ही हसीना अपनी वालदा को बताती है कि मैंने मासूमा को देखा है, मासूमा मेरे पास आई है, ये सब कुछ मेरे साथ वो कर रही थी, मेरा गला दबा रही थी। लेकिन हसीना की बातों पे अब कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो उसको मेंटली डिस्टर्ब करा दे रहे हैं। ये सब कुछ मासूमा बड़ी प्लानिंग के साथ कर रही है, उसके साथ इंतकाम और बदला ले रही है जो कुछ हसीना ने मासूमा के साथ किया। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हसीना अपनी वालदा को सब कुछ बताती है, लेकिन हसीना की वालदा और कोई भी उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता। सब यही कहते हैं कि मासूमा तो मर गई है और वो कैसे आ सकती है, तुम पागल हो गई हो। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे मासूमा बहुत खुश है क्योंकि मासूमा की जो चाल है, जो प्लान है, वो कामयाब हो गया है। जिसके बाद मासूमा यही बात कर रही होती है कि अब अगले वार का हमने इंतजार करना है, दुश्मन से अपने अगले वार का बदला लेना है और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुराद अपनी वालदा को लेने के लिए आ रहा है, यानी हसीना की वालदा भी चली जाएंगी। जिसके बाद मासूमा के लिए तो काम बहुत आसान हो जाएगा हसीना को और ज़्यादा पागल और मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मासूमा जिस कमरे में आई होती है, हसीना के कमरे में आई होती है जब अहमद वहाँ पर आता है तो अहमद हसीना से यही बात करता है कि ये तो मासूमा के परफ्यूम की खुशबू है, क्या मासूमा यहाँ पर आई है। जिसके बाद हसीना एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। हसीना कहती है कि मासूमा यहाँ पर कैसे आ सकती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अहमद तो अच्छे तरीके से वाकिफ है कि मासूमा कौन सा परफ्यूम लगाती थी, वो फौरन समझ जाता है कि मासूमा यहाँ पर आई है। ये सारी बातें सुन के अहमर की हसीना बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। हसीना को यही डर लग रहा है अगर मासूमा सच में अहमर के सामने आ गई। ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हसीना के सारे चाले अब नाकाम होने वाली हैं, बहुत जल्द हसीना को अपने मुंह की खाने पड़ेगी क्योंकि जो कुछ हसीना ने दूसरों के साथ किया वो सब कुछ अब हसीना के साथ भी होने वाला है। हसीना का बहुत बुरा हाल होगा। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मासूमा अब इतनी बुरे तरीके से हसीना को डरा देगी कि हसीना को मासूमा के बारे में सोच के भी बहुत बुरा ख्याल आएगा, यानी बहुत ज़्यादा डर सहमी सी जाएगी और यही मासूमा की चाल है, हसीना को उसके मुंह की खाने पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ अहमद अभी भी मासूमा से मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है, यानी वो अभी उसकी खुशबू महसूस कर सकता है। जब अहमद हसीना से ये बात कहता है कि कमरे में मासूमा आई थी, उसकी खुशबू आ रही है, ये बात सुन के हसीना तो एकदम परेशान सी हो जाती है कि अहमद साहब अभी भी मासूमा से मोहब्बत करते हैं, अगर वो कल कलाको सच में ही सामने आ गई तो ये तो मुझे छोड़ देंगे। हसीना के अब खतरे की घंटी शुरू हो गई है, हसीना बड़ी परेशान सी हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से हसीना की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।